सेक्स, किसे कहते हैं झटपट सेक्स। देखिए, जब आप माँ बाप बनते हैं तो जिंदगी में काफी बदलाव आते हैं, एक रूटीन लाइफ में भी काफी चेंजेस आते हैं, हर चीज का करने का तरीका बदल जाता है, जिसमें आपके सेक्स का तरीका भी शामिल है। ये जो सेक्स है, ये दो लोगों की पारस्परिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, एक दूसरे को काफी टाइम दिया जाता है। जिस चीज में पहले आप घंटों लगाते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, मूड बनाया जाता था, पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता था, धीरे धीरे ये चीजें कम होने लग जाती है और जो सेक्स है वो दो लोगों की जिंदगी से काफी दूर चला जाता है। वो वाइफ जिसे 5 साल में 2 डिग्रियां मिल चुकी होती है, उनके लालन पोषण में वो बिजी हो जाती है, फैमिली की जिम्मेदारियों से घिर जाती है, सुबह का पता नहीं, शाम का पता नहीं, किचन में सारा टाइम निकलता है। और वही जो हस्बैंड होता है, वो भी बाहर पैसा कमाने में बिजी हो जाता है, आधे से आधा टाइम वो घर की बजाय बाहर देने लग जाता है, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो घर चलेगा कैसे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनकी स्कूल की फीस, मंथली खर्चे, ये सब कैसे निपटेंगे। तो इस वजह से इन जिम्मेदारियों को देखते हुए दोनों के बीच में सेक्स जो है धीरे 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 कम हो जाता है, दूर हो जाता है। और मन ही मन देखो, उन दोनों लोगों को इस चीज का अंदाजा भी होता है, लेकिन वो एक दूसरे को बोल नहीं पाते। लेकिन ये भी सच है कि एक मजबूत रिलेशनशिप के लिए सेक्स बेहद ही जरूरी है, वरना दो लोगों के बीच में अनचाही फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है और परिस्थितियां जो है वो गड़बड़ा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए झटपट सेक्स, या जिसे क्विक सेक्स भी कहा जाता है, एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अब है कि क्विक सेक्स है क्या, तो देखिए, नाम ही अपने आप को साबित कर रहा है कि जल्दी जल्दी किया जाने वाला सेक्स। ये एक ऐसा सेक्स होता है कि जब आप जिम्मेदारियों से घिरे हुए होते हो, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती, सारी चीजें गड़बड़ा रही होती है, आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, तो ये आपको तनाव रहित होने के लिए, मतलब तनाव से मुक्त होने के लिए और आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको अवसर प्रदान करता है, आपको अनुमति देता है। अब मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में यही प्रश्न चल रहा होगा कि जल्दबाजी में किया गया सेक्स पूर्ण रूप से संतुष्टि तो दे ही नहीं पाएगा, वो आनंद की अनुभूति तो होगी ही नहीं। तो ये बिल्कुल सच है कि हाँ, जल्दबाजी में अगर आप सेक्स करते हो तो मजा नहीं आता, लेकिन अगर आपको झटपट सेक्स का मजा लेना है तो उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जल्दबाजी में सेक्स भी कर रहे हैं और मजा भी आपको उतना ही आ रहा है। इसी के लिए तो मेरा ये वीडियो है कि अगर आप जल्दबाजी में सेक्स करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो इसमें आप पूर्ण रूप से संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखो, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, तो इस क्विक सेक्स को करने का भी अपना एक तरीका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने वाली हूं जिसे यूज करके आप झटपट सेक्स को शानदार बना सकते हैं। तो नंबर 1, एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कीजिए। अब पता है कि क्विक सेक्स करने वाले हैं, जब आप लोग क्विक सेक्स करने वाले हैं तो ये इसीलिए होने वाला है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती, आप बिजी ज्यादा रहते हैं, एक दूसरे को पूरा टाइम नहीं दे पाते। तो जो फोर प्ले आप एक दूसरे के साथ किया करते थे, 10 मिनट उसमें लगाया करते थे, वही फोर प्ले आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एक दूसरे के साथ करना शुरू कीजिए सेक्स करने से पहले। तो जैसे आप लोगों की प्लानिंग है कि हाँ, 1.5-2 घंटे बाद आप लोगों को टाइम मिलने वाला है, मतलब 15-20 मिनट आपको मिल जाएंगे सेक्स करने के लिए, तो उससे पहले आप 1-2 घंटे पहले एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कीजिए, जिसमें आप डर्टी टॉक कीजिए, एक दूसरे को उत्तेजित कीजिए, क्योंकि फोर प्ले में देखो यही तो होता है ना, या पहले जब आप फोर प्ले किया करते थे तो एक दूसरे को उत्तेजित करते थे, अराउज करते थे, इधर उधर हाथ लगाते थे, ये सारी चीजें होती थी जो कि अब नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता। अब जब टाइम मिलता है तो उसमें सेक्स करें या फोर प्ले करें, तो वो उत्तेजना वाला जो एक कार्यक्रम होता है वो आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कीजिए, ताकि जब आप सेक्स के लिए कूदे उस 15-20 मिनट में तो भरपूर अग्नि हो आपके अंदर, भड़काऊ वाली। तो ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा, जो आपके अंदर अग्नि जलाएगा, आपको उत्तेजित करेगा, फिर वो जो 10 मिनट में आप सेक्स करेंगे ना, वो बहुत ही रोमांचकारी आपके लिए साबित होगा और मेमोरेबल बनेगा। नाउ दूसरा पॉइंट, कपड़ों का चयन भी देखो सोच समझ के कीजिए, खास करके महिलाएं, क्योंकि आप क्विक सेक्स करने वाले हो, जहां पे आपको घर का एक कोना ही काफी है, तो कपड़ों में भी थोड़ी सी कंजूसी बरती है। मतलब हाँ, आपको पता है कि 10-15 मिनट में आपको सारा काम खत्म कर लेना है, तो कपड़े हमेशा इस तरह के चूज कीजिए जो उतारने में आसानी हो, आपका टाइम बचे।
तीसरा पॉइंट, अब आप जल्दबाजी में सेक्स करने जा रहे हो तो आपको अपने साथी की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको कम टाइम में बेहतर देना है, बेस्ट परफॉर्म करना है। आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको हमेशा उसी चीज से शुरुआत करनी है जो चीज उसे पसंद है, ताकि आपके कम टाइम का ज्यादा यूज हो। ऐसे कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट गियर पर नहीं सेकंड गियर पे ही गाड़ी उठा देते हैं, पहला गियर लगाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो स्किल्ड बनिए। किस चीज से आपकी पार्टनर को ज्यादा मजा आता है, वो ज्यादा उत्तेजित होती है, तो सीधा वही करें, समय बर्बाद ना करें। अब देखो, झटपट सेक्स को करने के कई बार बहुत फायदे भी होते हैं, क्योंकि हर आदमी नए काम को धीरे धीरे ही सीखता है। कई बार ऐसा होता है कि कंफर्टेबल सिचुएशन में, मतलब उस कंफर्टेबल माहौल में जब तक आप सेक्स करते आ रहे हो, आपने कभी इन चीजों के ऊपर ध्यान ही ना दिया हो कि आपकी पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन जब सिचुएशन बदली और माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया और आपको कम टाइम में अपनी पार्टनर को ज्यादा संतुष्ट करना है, तो आप उन सभी चीजों को करना पसंद करेंगे जिसमें उसे ज्यादा उत्तेजना फील होती है और वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करती है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ पे डेवलप होगी। आप ये जानना शुरू करेंगे कि आपकी जो पार्टनर है उसे पसंद क्या है, क्योंकि आपको करना ही वही है, टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। तो ये कहीं ना कहीं ये क्विक सेक्स आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने में मदद कर सकता है। तो इन सारे तरीकों का यूज करके आप अपने इस झटपट सेक्स को यादगार बना सकते हैं। और जिन लोगों ने आज तक कभी क्विक सेक्स को किया नहीं, उन्हें कभी ऐसी खास जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम होता है, तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए झटपट सेक्स को ट्राई करके देख सकते हैं। मतलब एक इस तरह से इमेजिनेशन में एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, यार पर जल्दी जल्दी हमें करना है और निकलना है, कोई आ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उस दौरान सेक्स करने में कैसा मजा आता है, कैसा अनुभव होता है, तो वो नया एक्सपीरियंस लेने के लिए क्विक सेक्स को करके देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।